अदालतों को निकाहनामे की शराइत और जवाबित की तशरीह करने से कबल इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि क्या निकाहनामे में शराइत और जवाबित तय करने से कबल दुल्हन को रजाबंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी थी। जस्टिस अतर बिन अल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने निकाहनामा केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इकरामुल्ला जोया हमारे नुमाइंदे इस तफसीली फैसले के हवाले से बताएंगे। जी इकराम, निकाहनामे में शराइत के हवाले से केस का जो तहरीरी फैसला है वो जारी किया गया है, जिसमें निकाहनामे में शर्त और ज़वाबित तय करने से कबल दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आजादी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्ला पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया है। 10 सफात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अतर मिनुल्ला ने तहरीर किया है। इसमें लिखा गया है कि अगर निकाहनामे की शर्त और ज़वाबित या किसी इंट्री या कालम में अबहाम या शक हो तो इसका फायदा बीवी को मिलेगा। अगर दुल्हन की बाहमी मुशावरत के बगैर निकाहनामे के कालम से कोई और फोन करे तो इसे दुल्हन के मफाद के खिलाफ या उसके हकूक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये तयशुदा कानून है कि मुआहदे में कोई अबहाम हो तो इसे फरीकैन के असल इरादे से तय किया जाएगा। और अदालतों को निकाहनामे की शर्त और जवाबित की तस्दीक करने से कबल इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। मुकम्मल आजादी का जो है शराइत और जवाबित तय करने का हुक्म दिया गया। बहुत शुक्रिया इकराम।